सूरत के नानपुरा बड़ेखा चकला विस्तार में स्थित आले रसूल टूर्स एंड ट्रैवल्स की ऑफिस में ऑफिस संचालक द्वारा मुस्लिम हज यात्रा पर जाने वाले करीब 136 से भी ज्यादा लोगों को हज यात्रा पर ले जाने का झांसा देकर ऑफिस संचालक द्वारा लोगों से विश्वासघात करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि करीब 136 से भी ज्यादा मुस्लिम लोगों को पवित्र उमराह कराने के लिए लालजी टूर संचालक को रुपए और अपने पासपोर्ट दिए गए थे और आने वाली 31 अक्टूबर के दिन उन सभी हज यात्रियों की सऊदी अरब की फ़्लाइट होने की बात भी सामने आई है। लेकिन उससे 3 दिन पहले ही सूरत के बड़ेखा चकला विस्तार में स्थित आले रसूल टूर्स एंड ट्रैवल्स की ऑफिस में ऑफिस संचालक के लापता होने की बात का लोगों को पता चला। करीब 136 मुस्लिम लोगों के रुपए 50 लाख के ठगी आले रसूल टूर्स एंड ट्रैवल्स के संचालक द्वारा की होने की बात सामने आई है। उस लालची ऑफिस संचालक की ठगी का शिकार बने लोगों ने गत रोज इकट्ठा होकर सूरत के 8वां पुलिस थाने में ऑफिस संचालक के खिलाफ मिशिंग की शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके आधार पर 8वां पुलिस ने जांच शुरू की है। रिपोर्ट बाय परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज, सूरत। बोल। मेरा नाम मुंबासा फराज है और मैंने तकरीबन 6 महीने पहले आले रसूल टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम से एक टूर है इधर बड़ेगा चकला में, उधर पैसे भरे हुए थे और 3 दिन से सनीचर से वो टूर वाले जो अजीम भाई है उनका कोई अता पता नहीं है। उनके घर पे हम लोग गए थे तो उन्हें उनके घर से यूँ बोला गया कि वो दिल्ली गए हुए वीज़ा और बैग के काम से, लेकिन उन लोग का भी कॉन्टेक्ट सनीचर 5:30 बजे के बाद से हुआ नहीं किसी से और अभी तक हम लोग को मतलब कोई सेटिस्फाई कोई भी जगह से जवाब मिला नहीं है। हम लोग अभी तकरीबन 136 लोग है हमारे टूर में साथ में और वो सारे मिडिल क्लास लोग है, सारों के मेहनत के पैसे हुए और वो पैसे लेके वो फरार है। तकरीबन उनके घर से बोलते कि वो 14 लाख रुपए लेके वीज़ा लगवाने गए और अभी तक हम लोग को कोई जवाब मिला नहीं है उधर से। अभी हम लोग यहाँ 8वां गेट पुलिस स्टेशन पे आए हुए अर्जी करने, उन्होंने मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से हमें जवाब दिया कि भाई आप जितने अर्जदार है उन लोग की साइन मतलब नंबर ले उनका अर्जी लेकर किसी वकील के थ्रू आप अर्जी करोगे तो आपके कंप्लेंट से हम लोग कार्रवाई शुरू करेंगे। सबके पासपोर्ट आपके पास है या उसके पास है? नहीं, वो पास है। सारे पासपोर्ट 136 लोगों के पासपोर्ट लेके वो चला गए। फ्लाइट कब की थी? फ्लाइट हमारी 31 के शाम को 9:30 बजे की थी। गायब कब से हुआ? ये गायब शनिचार शाम को हुआ, शनिचार सुबह में उनके फैमिली से उनका कांटेक्ट हुआ था और 5:30 बजे बाद उनका कोई कांटेक्ट नहीं था। अभी फ़ोन चालू है, बंद है? अभी उनका फ़ोन बंद है, स्विच ऑफ बताता है। और अपने कॉल करते तो अगर कोई गुजरात के बाहर जाए तो हिंदी में या कोई और लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन अभी अपने कॉल करते तो वो गुजराती में हमें बोलता है कि स्विच ऑफ छे। ऑफिस पर कौन कौन बैठे थे? ऑफिस पर उनके जो साले मुनव्वर भाई वो बैठे थे और हमने एक दो इंस्टॉलमेंट उनके साले सबको भी दिए थे, उसके ऊपर हमारी अर्जी के ऊपर उनकी साइन भी है मतलब रिसिप्ट पर। सबकी रिसिप्ट है आपके पास? हाँ, सारे रिसिप्ट है हमारे पास।